वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले क्लास के अंदर हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा होमोलोगस सीरीज, जो कि पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था। सो आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट क्लास रहेगी हमारी इस चैप्टर की। उसके बाद पूरे चैप्टर की हम लोग रिविजन कर लेंगे थ्रू द माइंड मैप। ओके, पूरे चैप्टर की हम लोग रिविजन कर लेंगे थ्रू माइंड मैप। तो आज की क्लास हमारी छोटी सी 5-7 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग होमोलोगस सीरीज को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो तुम्हारा होमोलोगस सीरीज है, ये होती क्या है। सो इसके शब्द से एकदम साफ हो रहा है, होमो मीन्स सेम, होमो का मतलब होता है सेम, एंड लोगस मीन्स मेंबर। ओके, सो सीरीज हैव सेम काइंड ऑफ मेंबर आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, और वी कैन से दैट इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द फंक्शनल ग्रुप, इट इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द कार्बन चेन। ठीक है, सो दीज आर अवर होमोलोगस सीरीज, जिसके अंदर सेम टाइप के मेंबर्स होंगे। ठीक है, दीज आर अवर होमोलोगस सीरीज। सो अगर आप होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल लें, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। इट इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द कार्बन चेन। ठीक है, सो दिस इज आवर होमोलोगस सीरीज। को क्या होगी होमोलोगस सीरीज, जिसके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन एटम को, जो कि हमारे कार्बन चेन के अंदर होगी। ठीक है, सो अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, कुछ मेंबर्स की एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, C2H5OH, C3H7OH, C4H OH। सो ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं। अगर हम इन मेंबर्स को देखेंगे तो इनके अंदर क्या है, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। पहली चीज इनके अंदर क्या है, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इन सबका सेम होगा, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। उसी के साथ साथ अगर हम इन सभी कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स को देखें, तो ऑल कॉन्सिक्यूटिव मेंबर हैव डिफरेंस ऑफ वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम। ऑल कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स हैव डिफरेंस ऑफ वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, है ना। अगर ये सबके अंदर देखें तो वन कार्बन एटम का डिफरेंस दिख रहा है, देखो C1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एक एक कार्बन एटम का डिफरेंस है। हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस देखें तो 3, 5, 7, 9, 2 हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। ठीक है, सभी कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। अगर मास डिफरेंस देखें तो मास का कितना डिफरेंस होगा, दे हैव मास डिफरेंस ऑफ 14U, मास डिफरेंस ऑफ 14U, 12U इज फॉर कार्बन एंड 2U इज फॉर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सो दे हैव मास डिफरेंस ऑफ 14U। ठीक है, ये हमारे जो है इन पूरी मेंबर्स के अंदर दिख रहा है, दे आर द होमोलोगस सीरीज। कैसी सीरीज होगी, होमोलोगस सीरीज होगी, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव मेंबर्स के अंदर वन कार्बन टू हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होगा और मास डिफरेंस 14U का होगा। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज होमोलोगस सीरीज। अगर हम लोग अल्केन्स एंड अल्कीन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, अल्केन्स एंड अल्कीन्स की अगर हम लोग बात कर लें तो दे आर ऑल्सो होमोलोगस सीरीज, वो भी होमोलोगस सीरीज होगी। उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, बट स्टिल दे आर होमोलोगस सीरीज बिकॉज दे पोजेस ऑल दोज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज उनके अंदर सेम होगी। ठीक है, अल्केन्स एंड अल्कीन्स को देख लेते हैं हम लोग। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला कितना होता है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारे अल्केन्स का, CnH2n+2। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अवर अल्केन्स। ठीक है, और अगर हम लोग कुछ मेंबर्स की बात कर लें अल्केन्स की, C4CH4, C2H6, C3H8, C4H10, सो दीज आर दी मेंबर्स ऑफ अवर अल्केन्स ग्रुप। ठीक है, अल्केन के मेंबर्स ही होंगे। अगर हम लोग अल्केन के जनरल फॉर्मूला को देखें तो ये सभी जो हमारे
मेंबर्स है, सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला है इन सबका, और उसी के साथ साथ दे हैव डिफरेंस ऑफ वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, इनके अंदर वन कार्बन एटम का डिफरेंस है, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फोर सिक्स एट टेन, टू टू हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है, और मास डिफरेंस कितना है, मास डिफरेंस इज ऑफ 14 U, मास डिफरेंस इज ऑफ 14 U, 14 U हमारे मास डिफरेंस है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, सेम फंक्शनल ग्रुप है सभी का, उसी के साथ साथ जो है इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कौन सी सीरीज हो गई, होमोलोगस सीरीज हो गई। अल्कीन्स की बात कर ले अगर हम लोग, तो अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, और उसी के साथ साथ इनके अगर हम लोग मेंबर्स की बात कर ले, तो C2H4, C3H6, C4H8, दीज आर दी मेंबर्स ऑफ अवर अल्कीन ग्रुप, ठीक है, तो इनके अंदर हम लोग देखें तो दे ऑल हैव सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, और उसी के साथ साथ जो है वन कार्बन एटम का डिफरेंस है एंड टू हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है सभी कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के अंदर, एंड मास डिफरेंस कितना है, मास डिफरेंस इज ऑफ 14 U, ठीक है, 14 U का मास डिफरेंस होगा इन सभी के अंदर, सो दे बोथ हैव दी होमोलोगस सीरीज, ये सभी ये दोनों है होमोलोगस सीरीज होंगी, ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज के अंदर देखो क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसी के साथ साथ जनरल फॉर्मूला सेम है, अब फंक्शनल ग्रुप नहीं भी हो तो जनरल फॉर्मूला सेम है, और जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है वो क्या होंगे, उनके पास सेम टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती होंगी, वहां पर केमिकल रिएक्शंस जो है सेम टाइप की होंगी इनके अंदर, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक्चुअली सेम फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं भी है तो भी चलेगा, बिकॉज दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला है, इट मीन्स दैट इनके अंदर सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर होगा, केमिकल बिहेवियर इनका सेम रहेगा, लेकिन अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट वैरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे जो है वैरी करेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी वैरी करेंगी, बिकॉज जो है हमारा मास नंबर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से जो एटम्स है दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, जिसकी वजह से इनका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज वैरी करती है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट चेंज होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्वाइंट इनके चेंज हो रहे हैं, सो हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अंदर, होमोलोगस सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, एज मॉलिकुलर मास इंक्रीज, एज मॉलिकुलर मास इंक्रीज इन होमोलोगस सीरीज, अ ग्रेडियंट एग्रेडेशन एग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें जो है ग्रेडेशन देखने को मिली इसी, ठीक है, और ये ग्रेडेशन देखने को क्यों मिली, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मॉलिकुलर मास, ठीक है, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मॉलिकुलर मास, इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें ग्रेडेशन देखने को मिली, ठीक है, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द सीरीज जो है इंक्रीज होता जाएगा डाउन द सीरीज, ये हमारी होमोलोगस सीरीज के अंदर, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोगों ने जाना, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, अल्कीन एंड अल्कीन आर दी होमोलोगस सीरीज, ठीक है, हालांकि इनके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, लेकिन इनके जो जो हमारा जनरल फॉर्मूला होगा सेम होगा, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि हमारी होमोलोगस सीरीज से मैच करती होंगी, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर होमोलोगस सीरीज, ठीक है, हमारी होमोलोगस सीरीज कंप्लीट हो गई, और हमारा चैप्टर इसी के साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू द माइंड मैप, पूरे चैप्टर एक ही क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है, सो अगर आप लोग को एक ही क्लास के अंदर पूरा चैप्टर देखना है तो हमारे माइंड मैपिंग वाले रिव्यू क्लास के अंदर आ जाइएगा, और बाकी ध्यान से अच्छे से एक एक टॉपिक करके समझना है तो पूरी चार पांच पांच छह क्लासेस बनी होंगी इस चैप्टर की, वो आप देख सकते हैं, बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, थैंक यू फ्रेंड्स।